अभी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के बड़े आलोचकों में गिना जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक बड़े आलोचक हैं। उनकी आलोचना के बड़े होने का कारण क्या है? सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व हिंदी आलोचना की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालनी होगी। आचार्य शुक्ल के पहले हिंदी आलोचना मुख्य रूप से भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा की छाया में ही पल्लवित पुष्पित हो रही थी। यूं कह सकते हैं कि वह परंपरागत भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा से ही आच्छादित रही, उससे आक्रांत रही। उसके आगे जाकर के कुछ नई सोच, कुछ नई परिपाटी जो साहित्य के साथ समाज के लिए एक बड़ा योगदान दे सके, ऐसा कुछ शुक्ल जी के पूर्व हिंदी आलोचना में दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य शुक्ल जब हिंदी आलोचना में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम, जो बड़ा काम किया, वह यह था कि परंपरा के प्रति एक चयनवादी दृष्टि उन्होंने अपनाया। चयनवादी दृष्टि का मतलब कि परंपरा से हर आई हुई अच्छी चीज जो आगे भविष्य में और वर्तमान में उपयोगी और लाभदायक हो सकती है, शुक्ल जी ने उसको पहचाना और जो चीजें वर्तमान में भारतीय समाज के लिए और जनता के लिए बहुत जरूरी नहीं थी, शुक्ल जी ने उसका भरसक त्याग करने की कोशिश की। तो शुक्ल जी परंपरा के प्रति एक विवेकवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक बौद्धिक विवेचन के द्वारा उसका मूल्यांकन करते हैं और जो प्रासंगिक और तत्कालीन समय के लिए उपयोगी है उसको ग्रहण करते हैं और जरूरत पड़ने पर परंपरा में उसी के अनुसार फेरबदल भी करते हैं। इसे उदाहरणों के द्वारा थोड़ा स्पष्ट कर लेना उचित होगा। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी आलोचना के पहले अगर मिश्र बंधुओं की बात हम देखें तो झगड़ा इस बात का था कि भाई सबसे बड़े नौ कवि कौन हैं। तो उसके शीर्ष स्थान पर बिहारी और देव का संघर्ष चल रहा था कि बिहारी बड़े की देव। अब बिहारी देव, देव बिहारी, ऐसे किताब लिखी गई तो कौन शब्दों में ज्यादा चमत्कार उत्पन्न करता है, कौन अलंकारों का, बिंबों का बिल्कुल ताजा और चमत्कारिक प्रयोग करता है, रस का प्रयोग किसमें है, छंदों का प्रयोग करने में किसे महारत हासिल है। तो ये जो रस है, छंद है, अलंकार है, बिंब है, इसी तरह की जो परंपरागत काव्य सौंदर्य से जुड़ी हुई जो काव्य तत्व हुआ करते थे, उसमें किस कवि को कौन सा महारत हासिल है, इस पर यह निर्णय किया जाता था।
कि कौन कभी बड़ा है, कौन कभी छोटा है। तो हिंदी आलोचना के प्रारंभ में जो काव्य की रसवादी, छंदवादी, अलंकारवादी आदि आदि दृष्टि से जो आलोचना की जाती थी, उसमें बड़े कवियों के रूप में संघर्ष का केंद्र बिंदु था देव और बिहारी जैसे अलंकारवादी, रसवादी, श्रृंगारिक कवि। लेकिन आचार्य शुक्ल ने रसवाद की इस परंपरा को, इस आलोचना की दृष्टि को हूबहू बिल्कुल नहीं अपनाया। वे रस को अपनाते हैं, ध्वनि को अपनाते हैं, और अलंकारों और छंदों की परंपरा को भी अपनाते हैं, लेकिन उनके देखने का, विचारने का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे काव्य चमत्कार की कसौटी पर कवि और कविता को नहीं कसते हैं। उनके लिए कवि और कविता को कसने का निकस लोकमंगल है। अब हम ये कह सकते हैं कि लोग मानते हैं कि आई ए रिचर्ड्स जैसे लोगों से वे प्रभावित थे। मुझे लगता है कि उन्होंने मैथ्यू आर्नल्ड को भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, जानते समझते थे, जॉनसन की परंपरा को भी अच्छे तरीके से जानते थे। तो जहां जीवन की आलोचना के रूप में साहित्य स्थापित होता है, इसका अभाव हमें भारतीय रसवादी आलोचना की परंपरा में, शुक्ल जी के पूर्व हिंदी आलोचना में परिलक्षित होता था। वहां जीवन की आलोचना उपस्थित थी। तो शुक्ल जी ने मैथ्यू आर्नल्ड, आई ए रिचर्ड्स जैसे पाश्चात्य आलोचकों की परंपरा को भारतीय परंपरा में समेकित किया। वे विचार वहां से लेते हैं, लेकिन विचार को वहां से लेकर फिर अपने अनुसार भारतीय परंपरा में उसको ढाल करके सामने रखते हैं। लेकिन मूल बात थी कि साहित्य की आलोचना को जीवन की आलोचना के रूप में स्थापित करना, जीवन के साथ जोड़ना, जीवन के सरोकारों के साथ जोड़ना, मनुष्य और उसके समाज के कल्याण के साथ जोड़ना, उसकी जरूरतों के हिसाब से साहित्य के अभिष्ट को, लक्ष्य को स्थापित करना। तो शुक्ल जी ने कलावादी दृष्टिकोण से, सौंदर्यवादी, महज सहज सौंदर्यवादी सौंदर्य से आलोचना की दृष्टि को बिल्कुल मोड़ दिया, और मोड़ करके वे हिंदी आलोचना को जीवन के सरोकारों के साथ जोड़ते हैं। जीवन समाज के लिए है, और साहित्य उस जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए साहित्य को भी समाज का अंग होना चाहिए। तो शुक्ल जी कला कला के लिए से हट करके कला जीवन के लिए, इस सिद्धांत से प्रेरित होते हुए हिंदी आलोचना को जीवन और समाज के बृहत सरोकारों के साथ जोड़ते हैं, और जोड़ते ही नहीं हैं, बल्कि इतनी ताकत के साथ स्थापित करते हैं कि उसको हिलाना बहुत मुश्किल काम था। ये शुक्ल जी का पहला योगदान है हिंदी आलोचना को। हिंदी आलोचना शुक्ल जी के आने से बृहत्तर मानव जीवन के सरोकारों से जुड़ गई। वे कहते भी हैं कि आनंद के लिए साहित्य पढ़ना कोई साहित्य पढ़ना नहीं है, साहित्य का उद्देश्य आनंद नहीं है, साहित्य का उद्देश्य कल्याण है, मनुष्य के मूल्य और जीवन की रक्षा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की कलावादी समीक्षा की परंपरा को, कलावादी आलोचना की परंपरा को जीवन के सरोकारों के साथ जोड़ते हुए उसे लोकवादी बनाया, मनुष्य जीवन के
केंद्र में स्थापित किया और इस तरह कलावादी आलोचना की धार सामाजिक सरोकार की आलोचना की ओर मुड़ गई। और यह शुक्ल जी का एक बड़ा योगदान है, उन्होंने इसे बहुत ही शक्ति के साथ मजबूती के साथ स्थापित किया और उसमें वे पूर्णतः सफल हुए।